Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, अब फजाल अंसारी को बड़ी खुशखबरी तो मिली है, जेल से बाहर आएंगे। हालांकि संसद वाली सदस्यता नहीं बहाल हो पाएगी, लेकिन इस कड़ी में मुख्तार अंसारी के साले सरजीत रजा को भी एक बड़ी खबर आई है और जमानत अर्जी मंजूर कर ली गई है। तो वहीं अब्बास अंसारी को मामलों को लेकर भी पेशी हुई है और इस मामले में क्या अपडेट है इसकी पूरी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करें तो मऊ सदर सीट से विधायक अब्बास अंसारी को सोमवार की एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी हुई है। अब्बास अंसारी कासगंज जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश हुए। एमपी एमएलए कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने हेट स्पीच के मामले में सुनवाई के बाद 1 अगस्त की अगली सुनवाई मुकर्रर कर दी है। तो वहीं आचार संहिता के उल्लंघन में 8 अगस्त की तारीख तय की है। मऊ कोर्ट में अब्बास अंसारी के 4 मामलों में ट्रायल चल रहा है। विधायक अब्बास अंसारी के 3 केसों में उमर अंसारी की अनुपस्थिति के कारण आरोप तय नहीं हो पा रहे हैं। मऊ के एमपी एमएलए कोर्ट श्वेता चौधरी ने उमर के खिलाफ कुल 3 गैर जमानती वारंट जारी किया है। पिछले सुनवाई में कोर्ट ने 24 जुलाई को उमर अंसारी को कोर्ट में पेश करने का आदेश जारी किया था। विधायक अब्बास अंसारी पर आरोप है कि 3 मार्च 2022 को विधानसभा चुनाव के दौरान सदर विधानसभा सीट से सुभाषपा के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे अब्बास अंसारी ने नगर क्षेत्र के पहाड़पुर मैदान में जनसभा के दौरान जनपद मऊ के प्रशासन को चुनाव के बाद रोककर हिसाब किताब करने व इसके बाद सबक सिखाने की धमकी मन से दी गई थी। मऊ जनपद के सदर विधानसभा से विधायक अब्बास अंसारी की विधानसभा चुनाव के दौरान अधिकारियों को देख लेने के इस बयान के बाद चर्चा तेज हो गई थी। अब देखना यह है कि मऊ में एमपीएमएलए कोर्ट में विधायक अब्बास अंसारी की पेशी के दौरान उमर अंसारी की पेशी हो पाती है नहीं। इसी के साथ ही अभी देखना होगा कि सुनवाई के बाद कोर्ट में आखिरकार फैसला क्या आता है। दूसरा मामला की बात करता हूं तो आचार संहिता का उल्लंघन है। आपको बता दें कि आचार संहिता उल्लंघन केस में आरोप है कि सुभाषपा प्रत्याशी अब्बास अंसारी ने 27 फरवरी 2022 को बिना अनुमति के रोड शो का आयोजन किया था। इस मामले में विवेचना के बाद दोनों भाइयों को आरोपी बनाया गया। विधानसभा चुनाव में जीत के बाद भी 10 मार्च 2022 को समर्थकों के साथ अब्बास अंसारी पर विजय जुलूस निकालने का आरोप है। पुलिस की ओर से दर्ज केस में विधायक अब्बास अंसारी, उमर अंसारी, मंसूर अंसारी आदि के विरुद्ध जो है आरोप पत्र जो है वो कोर्ट में भेजा गया था और अब इस मामले को लेकर 1 अगस्त और 8 अगस्त को सुनवाई होने वाली है। तो देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार इस मामले में अब्बास अंसारी पर क्या फैसला आता है। बाकी इस तरीके के मुकदमे अब्बास अंसारी पर लगे हैं उसको लगता है कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।